मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले के ग्राम निपानिया डाबी का ये मामला सामने आया है, जहां पर प्राथमिक विद्यालय में कक्षा एक से लेकर पांचवीं तक के छोटे छोटे नौनिहाल बालक बालिकाओं को एक ही कमरे में बैठकर अपनी पढ़ाई करके भविष्य बनाने के लिए मजबूर किया गया और साथ में सांप बिच्छू केकड़े जहरीले जानवरों से भी ये अपने भविष्य बनाने को लेकर जंग लड़ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं शाजापुर विधानसभा 167 की। यहाँ से कई बार क्षेत्र के नेताजी यानी कि विधायक हुकुम सिंह कराड़ा कैबिनेट के मंत्री जैसे अहम पदों पर रहे, क्षेत्र के लिए बड़ी खुशी की बात होती है, लेकिन क्षेत्र में इस तरह का विकास होना कहीं ना कहीं उनके ऊपर सवाल खड़े करता है। कक्षा एक से पांचवी तक के 70 से 75 संख्या वाले प्राथमिक विद्यालय में दो शिक्षिका और एक शिक्षक भी एक ही कक्ष में इन बच्चों को पढ़ाते हैं। अब आप अच्छे से अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या इन बच्चों के भविष्य से नेताजी खिलवाड़ कर रहे हैं या नहीं। ग्रामीण जनों ने भी विकास को लेकर अपनी बातें रखी। इन विषय पर जब एचएम प्रभारी शिक्षिका से बात की गई तो उन्होंने भी कहा, कई बार मौखिक और लिखित अपने वरिष्ठ अधिकारियों को वो अवगत करवा चुके हैं, लेकिन ग्राम पंचायत के माध्यम से भी वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत करवा दिया गया, लेकिन आज तक किसी भी शासकीय कर्मचारी और ना ही किसी नेता का इधर ध्यान गया। शाजापुर एमपी संवाददाता किशोर नाथ राजगुरु की रिपोर्ट। मैं विद्या कक्षा पांचवी में पढ़ती हूँ। हमारे स्कूल में पानी टपकता है और हमारा स्कूल ऐसा हो गया है और हमारे को खेलने की जगह भी नहीं है और हमारा बाथरूम भी क्या कैसा हो रहा है, हमारी क्लास भी क्या कैसी हो रही है और हम पहली से लेकर तो पांचवी तक एक ही क्लास में पढ़ते हैं। हमारे को दिक्कत आ रही है पढ़ने में तो हम हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि सरकार से कि हमारा स्कूल नया बन जाए। कहना कौन सी क्लास? पांचवी। यहाँ पे जो स्कूल की स्थिति ऐसी है, सड़क पास में है, खेल मैदान नहीं है, क्या कहना चाहेंगे? हम सरकार से ये कहना चाहेंगे कि हमारा नया स्कूल बने और शौचालय बने और अच्छे खेलने का ग्राउंड बने। वो जो एक ही क्लास में सभी बच्चे बैठे हैं उस वाले कमरे में क्यों नहीं बैठते आप लोग? वो हमारा पूरा खराब हो चुका है। अच्छा अच्छा, तो उधर बैठने का स्थिति नहीं है अभी? नहीं है। यहाँ पे जंगल एरिया है, अपने को डर भी रहता है, जहरीले जानवर का रहता है? हाँ रहता है। क्या क्या निकलते हैं? सांप बिच्छू कुछ भी निकल सकते हैं सर। मेरा नाम अंजना आर्य सर, मैं प्राथमिक विद्यालय निपानिया डाबी में पदस्थ हूँ। हमारे स्कूल की भवन की दशा तो बहुत ही जर्जर है सर। हमने शासन से भी हमारे विभाग को दो बार लिखित में अवगत कराया और मौखिक तो बार बार हमने सूचना भी करी है, लेकिन आके देखते भी नहीं वो तो। और यहाँ हमेशा बाढ़ आती है तो सबसे पहले स्कूल में पानी घुसता है, पानी स्कूल आगे से भी घुसता है, पीछे से भी घुसता है और बारिश तो ये टपकते तो ऐसे दोनों भवन जैसे बाहर बारिश हो रही समझ लो अंदर बारिश हो रही है। और ऐसे में सांप बिच्छू अभी केकड़ा निकला था थोड़ी देर पहले बच्चों ने मारा, और शौचालय की तो ना बालक शौचालय की व्यवस्था है ना बालिका की है तो बिल्कुल जर्जर हो गया, खराब हो गया है और घास फूस इतना है और स्कूल के हमारे ग्राउंड भी नहीं है, मैदान भी नहीं खेलने के लिए, बिल्कुल रोड पे स्कूल है। हमने बाउंड्री वाल की भी बहुत बार मांग करी लेकिन अभी तक हमारे स्कूल में बाउंड्री वाल नहीं आई। अच्छा, ये बिल्डिंग जो है कितने वर्ष पुरानी होगी? सर ये तो शायद हमारा जन्म ही नहीं हुआ होगा, उससे पहले पुरानी है, 35-40 साल से भी बहुत पुरानी बिल्डिंग है सर, और बहुत ही जर्जर हो गई है। और ये अभी कंडीशन ये है कि बारिश से लेके जब स्कूल डूब गया था बारिश में पानी घुस गया था तो एक ही हाल बचा है, वो भी बच्चों ने हमने धोया है फिर सुखाया, उसके बाद पांच क्लास एक ही कक्ष में लग रही है। कितने कमरे हैं यहाँ पे? टोटल तीन है सर। तीन में से एक ही कमरा? एक ही कमरा है अवेलेबल और वो भी कई जगह से हाल इसके हाल की बिल्डिंग ये मतलब इसके फर्श पूरी तरह बैठ चुका है। क्या अपील करना चाहेंगे? हम अपील ये करना चाहें कि शासन के द्वारा हमें या हमारे विभाग के द्वारा हमको एक बिल्डिंग, दो रूम, एक ऑफिस और बच्चों के लिए शौचालय और खेल का ग्राउंड तो होना चाहिए, क्योंकि तो बच्चे लंच के बाद खेलने जाते तो सब भगाते, इधर खेत पे से ये भगाए, उधर से वो भगाए, पंचायत से भगाए, बच्चे खेलने जाए कब चाहे, पर हमारे इतनी जगह है नहीं।